एक जमाने में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसे एक सुंदर बेटी थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तब उसकी शादी एक राजकुमार से तय हुई। वो जिस राज्य में रहता था वो बहुत दूर था। माँ, क्या ये मुझे करना पड़ेगा? हाँ मेरी प्यारी राजकुमारी, मैंने राजकुमार को वचन दिया है कि तुम उससे ही शादी करोगी। लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब कब बुलावा आ जाए क्या पता। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हारी हिफाजत करे। ऐसा मत करो ना माँ। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अकेली जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक दासी भेजती हूँ। और हाँ फलदा, तुम्हारा घोड़ा तैयार है क्या? हाँ माँ, हम जाने के लिए तैयार हैं। एक बात याद रखो, वो फलदा मेरे साथ ईमानदार है और मुझे यकीन है कि वो मुझे तुम्हारे साथ घटने वाली हर घटना बताएगा। मैं जानती हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर रानी और उसकी बेटी महल के बाहर गए। वहाँ दासी और घोड़ा उनका इंतजार कर रहे थे। अब चलो दासी। जैसी आपकी आज्ञा राजकुमारी। चलो अलविदा। दासी बहुत दुष्ट थी। उसे राजकुमारी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे खुद को एक दिन राजकुमारी बनने के सपने आते थे। राजकुमारी और दासी दोनों अपने अपने घोड़े पर चढ़ी और उन्होंने महल छोड़ा। काफी घंटों के सफर के बाद राजकुमारी को बहुत जोर से प्यास लगी और उसने दासी से कहा, दासी उस झरने से थोड़ा पानी लेके आओ ना। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो घोड़े से उतरो और झरने पर झुककर खुद पानी पियो। राजकुमारी विनम्र थी। वो घोड़े से नीचे उतरी और झरने के पास जाकर झुक के पानी पीने लगी। उसके बाद वो वापस घोड़े पर आके बैठी। फिर दासी ने कहा, अब से मैं तुम्हें आज्ञा दूंगी और तुम उसका पालन करोगी। चलो अपने कपड़े मुझे दो और तुम मेरे कपड़े पहनो। अब से मैं राजकुमारी हूँ और तुम मुझे वचन दो कि ये बात किसी से नहीं बताओगी, वरना बहुत पछताओगी। मैं वचन देती हूँ। दासी ने फिर राजकुमारी के कपड़े पहन लिए और उसी के घोड़े पर जाकर बैठी। घोड़ा बहुत समझदार था। उसे मालूम था राजकुमारी कौन है। उसने दासी के हुक्म को नहीं माना। फिर वो राजमहल पहुँचे। राजकुमार उन्हें सामने से मिलने आया। मेरे महल में आपका स्वागत है प्यारी राजकुमारी। ये लड़की कौन है? ये मेरी दासी और सहयोगी है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। वैसे आपके पास अगर इसके लिए कोई काम हो तो बताइए। वैसे मेरे पास एक कोनार्ड नाम का लड़का है जो हंस संभालने का काम करता है, ये उसकी मदद कर सकती है। और हाँ, इस घोड़े को मार डालिए। क्या क्या क्यों? ये तो अच्छा घोड़ा लग रहा है। इसकी वजह से आज रास्ते पे मैं मरने ही वाली थी। असल में दासी को पता था कि फलदा बोल सकता है और शायद वो राजकुमार को बता देगा कि उसने किस तरह असली राजकुमारी के साथ बर्ताव किया है। मैं घोड़े को मार नहीं सकता, उसके बदले मैं उसे कैद खाने में डाल देता हूँ। शुक्रिया। नहीं, घोड़े को ऐसी जगह कैद कर लिया गया कि वो वापस कभी ना दिखे। दूसरे दिन दासी राजकुमारी से मिलने गई। तुम अब अपने घोड़े को कभी नहीं देख पाओगी। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम अपना काम करो, नहीं तो मैं राजकुमार को बता दूंगी कि मुझे तुमसे भी छुटकारा चाहिए। फिर दासी वहाँ से चले गई और राजकुमारी रोने लगी। अचानक एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हारा घोड़ा कहाँ है। उसे जहाँ रखा है वहाँ तुम्हें ले चलता हूँ। धन्यवाद बाबा। ये सारी बातें कोनार्ड झाड़ियों के पीछे छुपकर सुन रहा था और उसने सोचा, ये गुप्त बात लगती है, मैं भी वहाँ जाऊँगा। हो सकता है शायद महाराज को भी इसकी जानकारी होना जरूरी होगा। सेवक राजकुमारी को घोड़ा दिखाने ले जा रहा था। कोनार्ड छुपकर उसका पीछा कर रहा था। हम पहुँच गए, लेकिन अब तुम्हें सावधान रहना होगा। जी बिल्कुल। फिर वो बूढ़ा वहाँ से गया और राजकुमारी अंदर गई जहाँ घोड़े को रखा गया था। कोनार्ड भी उसके पीछे गया। जैसे उसने घोड़े को देखा उसने खुद से कहा, बेचारा फलदा, कैसे रखा है तुम्हें? बेचारी राजकुमारी, तुम भी तो दुखी हो। ये अगर तुम्हारी माँ को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। कोनार्ड ये देखकर चकित ही रह गया कि घोड़ा भी बात करता है। बापरे,
मैं पागल हो गया हूँ या ये घोड़ा सच में बोल रहा है? ये बात राजा को बतानी होगी, लेकिन वो मुझ पे यकीन करेंगे? पता नहीं, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो ये सब सोच रहा था तभी राजकुमारी चल गई। दूसरे दिन सुबह रोज की तरह सब कुछ सामान्य था। राजकुमारी अपने बाल बना रही थी जो सोने के थे। कोनार्ट उसका बाल लेना चाहा। कोनार्ट, मुझे परेशान मत करो, छोड़ो मेरे बाल। लेकिन तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, मैं बनाऊं तुम्हारे बाल? नहीं रुको, कहा ना कोनार्ट। लेकिन मुझे तुम्हारे कुछ बाल चाहिए। छोड़ो मुझे। राजकुमारी चिल्लाई और उसने हवा को आदेश दिया। आ जाओ हवा, कोनार्ट की टोपी, हवा में ले जाओ, दौड़ाओ इसे इधर से उधर, जब तक मैं अपनी बाल न बना लूं। फिर कुछ ऐसी हवा चली कि कोनार्ट की टोपी गांव से बाहर उड़ गई और उसे उसके पीछे दौड़ना पड़ा। जब वो वापस आया तब राजकुमारी अपने बाल बना चुकी थी। फिर कोनार्ट को बहुत गुस्सा आया, वो सीधे राजा के पास चला गया। मेरे महाराज, मुझे उस लड़की के साथ नहीं रहना, मुझे डर लगता है। वो तो एक मासूम लड़की है, तुम्हें उससे डर क्यों लगता है? नहीं महाराज, मुझे लगता है कि वो एक डायन है, अब एक बुरी डायन। डायन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो मुझे सब बताओ। जी महाराज, मैंने उस दिन उस घोड़े को बात करते हुए सुना और। कोनार्ट ने राजा को राजकुमारी और उसके घोड़े के बारे में बताया और ये भी बताया कि उसने उसकी टोपी कैसे हवा में उड़ाई। अब घर जाओ कोनार्ट, बाकी सब मैं संभालता हूँ। दूसरे दिन जहाँ पे फिल्डा को रखा गया था वहाँ राजकुमारी के आने तक महाराज छुप कर बैठ गए। सुप्रभात प्यारे फिल्डा। सुप्रभात प्यारी राजकुमारी, अगर ये सब तुम्हारी माँ को पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। राजा ने उनकी सारी बातें सुनी और उसने ये भी देखा कि कोनार्ट कैसे उसे परेशान करता है और फिर कैसे उसकी टोपी हवा में उड़ती है। फिर किसी को भी देखे बिना वो वापस चले गए। दूसरे दिन उन्होंने राजकुमारी को बुला लिया। कुछ बात करनी है क्या महाराज? हाँ, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मतलब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, मुझ पे भरोसा करो। अब राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना मन राजा के पास हल्का किया, उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। राजा ने सब कुछ जान से सुना और कहा, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी दासी ऐशा सजा की हकदार है, उसे कैद खाने में होना चाहिए हमेशा के लिए। राजकुमार तुमसे शादी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, लेकिन मेरे घोड़े का क्या? उसकी चिंता मत करो, उसे छोड़ देंगे। दूसरे दिन शादी का जश्न महल में हुआ। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। फिर वो नौ विवाहित जोड़ा हमेशा के लिए हंसी खुशी लेने लगा। समाप्त। आपने स्नो व्हाइट की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन ये कहानी कई साल पहले की है, जब दुष्ट सौतेली माँ ने स्नो व्हाइट को सुला दिया था। बहुत समय पहले एक बूढ़ी औरत जंगल में अपनी झोंपड़ी में रहती थी। उसके दो बच्चे थे, उनमें से एक स्नो व्हाइट थी और दूसरी रेड रोज। दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वो अक्सर जंगल में जामुन इकट्ठा करते हुए घूमते थे और जानवरों के साथ खेलते थे जिन्हें वो प्यार करते थे। एक शाम जब वो आराम से एक साथ बैठे थे, किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। रोज रेड, जल्दी से दरवाजा खोलो, कोई यात्री होगा जो आश्रय मांग रहा होगा। रोज रेड दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। उसने एक भालू को देखा जो दरवाजे के बीच से अपना सर घुमा रहा था। रोज रेड जोर से चिल्लाई और भालू बोलने लगा, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे ठंड लग रही है और मैं अपने शरीर को गर्म करना चाहता हूँ। बेचारा भालू, आओ आपके पास लेट जाओ। स्नो व्हाइट और रोज रेड, चिंता ना करो, भालू कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो एक अच्छा और प्यारा जीव है। तो फिर उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उन्होंने एक तौलिया लिया और उसे तब तक रगड़ा जब तक वो सूख ना जाए और फिर वो आग के पास बैठ गया। सुबह होने पर भालू जंगल में लौट आया और उसके बाद भालू हर शाम को सही समय आता और आग के पास लेट जाता। अब वो उसके इतने आदी हो गए थे कि उन्होंने दरवाजा बंद करना ही बंद कर दिया
और भालू जब भी वहां पहुंचे उसे अंदर आने दिया जाता। जब बसंत आया और बाहर सब हरा था, भालू ने एक सुबह स्नो व्हाइट से कहा, अब मुझे चलना चाहिए और पूरे घर में वापस नहीं लौटना चाहिए। प्यारे भालू, तुम कहाँ जाओगे? मुझे जंगल जाना चाहिए और अपने खजाने को दुष्ट बोनों से बचाना चाहिए। सर्दियों में जब धरती सख्त जमी होती है तो वो जमीन के अंदर रहते हैं, लेकिन अब जब सूरज ने जमीन को गर्म कर दिया है, वो जो चाहे चुरा सकते हैं। उनकी गुफाओं में जो भी गिरता है वो आसानी से दोबारा नहीं मिलता। और फिर भालू जंगल में गायब हो गया। इसके कुछ समय बाद माँ ने अपनी लड़कियों को सिलाई का सामान खरीदने के लिए कस्बे में भेज दिया। वो एक बड़े पेड़ के पास आए जो जमीन पर गिर गया था। उन्होंने देखा कि कुछ ऊपर से नीचे कूद रहा है। जब वो पास पहुँचे तो उन्होंने एक लंबी दाढ़ी वाला बोना देखा। बोने का सिर पेड़ के नीचे फंसा हुआ था। उसने अपनी जलती लाल आंखों से उन्हें देखा और चिल्लाया, तुम वहाँ किस लिए खड़े हो? आओ और मेरी मदद करो। तुम क्या कर रहे हो छोटे आदमी? तुम छोटी मूर्ख लड़की, मैं आग के लिए पेड़ से लकड़ी तोड़ना चाहता था। मेरी दाढ़ी नीचे फंस गई थी और अब मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता, और तुम मूर्ख लड़कियाँ मेरे ऊपर हंस रही हो। उफ, क्या बदकिस्मती है। छोटी लड़कियों ने पेड़ को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो दाढ़ी नहीं निकाल सकी। इसीलिए स्नो व्हाइट ने अपनी कैंची अपनी जेब से निकाली और उसकी दाढ़ी का सिरा काट दिया। और अब वो बोना अटका हुआ नहीं था। उसने अपना सोने से भरा बैग जल्दी से खींचा जो उसने पेड़ की जड़ों में छुपा रखा था। मेरी शानदार दाढ़ी को काट दिया, इन मूर्ख लोगों को श्राप दो, उसने जोर से कहा। और फिर उसने अपने बैग को यूं घुमाया कंधे पर और गायब हो गया। इसके फौरन बाद स्नो व्हाइट और रोज रेड एक नदी के किनारे पर चल रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जैसे एक बड़ा टिड्डा पानी की ओर बह रहा हो, जैसे कि वो कूदने जा रहा हो। वो दोनों नदी के किनारे पर दौड़ी और उन्होंने उसी बौने को देखा। अब कहाँ जा रहे हैं? निश्चित ही तुम पानी में कूदने वाले तो नहीं हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मेरी दाढ़ी मछली के कांटे में फंस गई है और ये पागल मछली मुझे अंदर खींचने की कोशिश कर रही है। लड़कियों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया था और उसकी दाढ़ी को मछली पकड़ने के जाल से मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन दाढ़ी और जाल बहुत ज्यादा फंसे हुए थे। वो बस इतना कर सकते थे कि दाढ़ी काटने के लिए कैंची को फिर से निकाल लें। वो बोना उनका आभारी नहीं हुआ, बल्कि वो जोर से चिल्लाया, क्या आप उन्हें शिष्टाचार बुलाते हैं? मूर्ख लड़कियों, एक साथी के चेहरे को खराब करने के लिए ये काफी नहीं था कि आपने पहले मेरी दाढ़ी को छोटा कर दिया, लेकिन अब आपको इसका सबसे अच्छा हिस्सा काट देना चाहिए। और फिर वो अपने कीमती पत्थरों से भरा थैला लेकर चट्टानों के नीचे गुफा में चला गया। लड़कियां अपनी माँ की सिलाई का सामान लेने के लिए अपने रास्ते पर चली गईं। घर के रास्ते में जब वो फिर से नदी के किनारे से गुजर रही थी, उन्होंने देखा कि बोना अपने कीमती पत्थरों को एक खुली जगह पर फैला रहा है। शाम का सूरज चमचमाते पत्थरों पर पड़ रहा था, वो चमक रहे थे। उनकी चमक इतनी सुंदर थी कि बच्चे खड़े होकर उन्हें बस निहार रहे थे। तुम वहाँ किस लिए खड़ी हो? उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तभी एक गड़गड़ाहट सी सुनाई दी और एक काला भालू जंगल से बाहर निकल आया। बोना डर कर उछल पड़ा, लेकिन उसके पास अपने आप को बचाने का समय ही नहीं था, क्योंकि भयानक भालू पहले से ही उसके बहुत करीब था। और बोना डर कर रोने लगा, प्यारे भालू मुझे बख्श दो, मैं तुम्हें सारा खजाना दूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना, वहाँ देखो दो लड़कियाँ, मुझे यकीन है वो मुझसे बेहतर स्वादिष्ट होंगी। लेकिन भालू ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बोने को पंजे से मारा और फिर वो कभी चल नहीं पाया। स्नो व्हाइट, रेड रोज, डरो मत। और फिर उन्होंने उसकी आवाज को पहचान लिया और वो अपने भालू दोस्त की तरफ मुड़ गई। और फिर अचानक से भालू की खाल और पर गिरने लगे और उन्होंने एक सुंदर आदमी को अपने सामने खड़ा पाया, जिसके कपड़े और गहने सब सुनहरी थे।
मैं एक राजकुमार हूँ। उस छोटे से बोने ने मुझे श्राप दिया था, जिसने मेरा खजाना चुरा लिया है। मेरा भाग्य जंगली भालू के रूप में घूमना था, जब तक कि उनकी मृत्यु मुझे मुक्त नहीं कर देती। जब स्नो वाइट जवान हो गई, तो उसने राजकुमार से शादी कर ली और रोजेट से अपने भाई की शादी कर ली, और वो हमेशा हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई। एक बार की बात है, एक धनी व्यक्ति था जिसकी एक बेटी थी, उसका नाम डोरथी था। वो उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन जब वो व्यापार के लिए लंबी यात्रा के लिए जा रहा था, उसने अपनी बेटी से पूछा कि वो उसके लिए क्या लाए। प्रिय पिताजी, मुझे एक बहुत प्यारा गाने वाली कोयल ला दीजिए। उसने अपनी बेटी को अलविदा कहा और अपने नौकर के साथ चला गया। अपने व्यापारिक लेन देन को समाप्त करने के बाद उस अमीर आदमी ने हर जगह पर मीठा गाना गाने वाली कोयल की खोज की, लेकिन ये सब व्यर्थ रहा। कोई कोयल उसे नहीं मिली और उसकी ये खोज उसे जंगल तक ले आई। वो चलता रहा और चलता रहा, तभी उसे अपने सामने एक शानदार महल मिला, जिसके किनारे पर एक लंबा पेड़ था, और वहाँ पर उस पेड़ के ऊपर एक सुंदर कोयल बैठी जो मधुर गीत गा रही थी। तभी अमीर आदमी ने अपने नौकर से कहा, लेकिन जैसे ही नौकर पेड़ के पास पहुंचा, एक शेर पेड़ के पीछे से कूदा और दहाड़ने लगा। मेरी कोयल को चुराने की हिम्मत कौन करता है? मैं तुम्हें खाऊंगा चोर। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे नहीं पता था कि पक्षी तुम्हारा है। कृपया हमारे जीवन को बख्शें, मैं तुम्हें एक बड़ा प्रतिफल दूंगा। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे वो चीज दोगे जिस पर तुम्हारी घर पहुँचते ही पहली नजर पड़े। उसके अलावा यदि तुम मानोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें पक्षी भी दूंगा। लेकिन क्या होगा अगर ये मेरी डोरथी है? चिंता मत करो साहब, वो आपसे मिलने वाली पहली इंसान नहीं होती है। अमीर आदमी शेर की शर्त मान गया, लेकिन जब अमीर आदमी अपने घर पहुंचा, तो डोरथी उसकी तरफ दौड़ कर आई और उसने अपने पिता को कस के गले लगा लिया। ये देखने के बाद कि वो कोयल भी लेकर आया है, वो खुशी से भर गई। लेकिन अमीर आदमी खुश नहीं था और वो रोने लगा। मेरी प्यारी डोरथी, मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि मुझे शेर राजकुमार से एक वादा करा था कि मैं उसे सबसे पहले मिलने वाले व्यक्ति को भेजूंगा। अमीर आदमी ने अपनी बेटी को सब कुछ बताया। ओ पिताजी, वादा तो वादा है, मुझे जाना होगा। नहीं, वो तुम्हें मार डालेगा। नहीं, एक शेर मेरी तकदीर नहीं बदल सकता पिताजी। अगले दिन डोरथी जंगल के लिए रवाना हो गई, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो शेर एक मुग्ध राजकुमार था। दिन में वो शक्तिशाली शेर था और सब उससे डरते थे, और रात में वो फिर से मानव के रूप में बदल जाता था। जब डोरथी जंगल पहुंची, तो उसे शेरों के नेतृत्व में एक सुनहरी गाड़ी पर महल ले जाया गया। आपका स्वागत है मेरी खूबसूरत रानी, मैं देखता हूँ कि आपके पिता अपनी बात पर खरे उतरे हैं। मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में पाकर सम्मानित महसूस करूँगा। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम एक शेर हो। तभी खिड़की से चांदनी की एक किरण चमकी और शेर जादुई रूप से एक राजकुमार के रूप में बदल गया। उसके सामने एक सुंदर राजकुमार था। मैं एक राजकुमार हूँ और हम एक ऐसे जादू से बंधे हैं जो हमें दिन ब दिन शेर बनाता है। डोरथी मुस्कुराई, क्योंकि वो खुश थी, और समय के साथ वो राजकुमार से प्रेम करने लगी। जल्दी ही उनकी शादी हुई और वो शेर के साथ खुशी खुशी रहने लगी। वो दिन भर सोता रहता और रात में राजकुमार जाग जाता। एक दिन शेर राजकुमार उसके पास आया और बोला, कल तुम्हारे पिता के घर में उत्सव है, आप चाहें तो शेर आपकी रक्षा कर सकते हैं। वाह, कितना अच्छा होगा, लेकिन मेरे प्यारे राजकुमार, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ आओगे। मेरी दुल्हन, मैं नहीं कर सकता, मुझ पर लगाए गए जादू का दूसरा भाग है,
अगर प्रकाश की एक छोटी सी भी किरण मुझे छू ले तो मैं 7 साल के लिए हंस में बदल जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं आपको सुरक्षित रखने और बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। तो राजकुमार और राजकुमारी जाने के लिए तैयार हो गए। अमीर आदमी शेर राजकुमार का सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उनका स्वागत किया। राजकुमारी ने एक विशाल कमरा बनवाया जिसकी दीवारें बहुत मोटी थी और उसमें प्रकाश की कोई किरण प्रवेश नहीं कर सकती थी। मशाल और मोमबत्तियां जलाने पर शेर को यहीं विश्राम करना था, लेकिन राजकुमारी को इस बात का जरा भी ध्यान न रहा कि वो बड़ा कमरा ताजी लकड़ियों का बनाया गया था और जैसे जैसे ये सूख रहा था उनके बीच में छोटी छोटी दरारें होने लगी थी जो अभी दिख नहीं रही थी, वो बड़ी हो रही थी। जैसे ही मशालों और रोशनी वाले लोगों का जुलूस उत्सव से वापस आया, प्रकाश की एक छोटी सी किरण राजकुमार पर गिर गई और उसी क्षण राजकुमार हंस में बदल गया। जब डोरोथी लौटी तो उसने वहां बैठे एक सफेद हंस के अलावा कुछ नहीं देखा। अगले 7 वर्षों तक मैं हंस ही रहूंगा और मुझे उड़ना होगा, लेकिन आशा है हर 7वें कदम पर मैं एक सफेद पंख गिराऊंगा और यदि तुम पगडंडी पर चलोगे तो तुम मुझे मुक्त कर सकते हो। राजकुमारी डोरोथी सफेद हंस का पीछा करती रही। जहाँ भी वो उड़ता वो अपने सच्चे प्रेम के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ा करती। 7 साल तक उसका पीछा करती रही। ओह, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये 7 साल समाप्त हो गए हैं, अब जल्द ही मुक्ति मिलेगी। एक दिन सफेद पंख गिरने लगे और डोरोथी की आशा समाप्त हो गई। राजकुमारी डोरोथी एक पेड़ पर चढ़ी और उसने हवा से पूछा, तुम सब पेड़ों और पत्तों के बीच में उड़ती हो, क्या तुमने एक सफेद हंस को उड़ते देखा है? मैंने सफेद हंस देखा है, वो उड़कर लाल सागर में चला गया जहां उसने शेर का रूप धारण कर लिया। ठीक इसी समय वो एक शक्तिशाली ड्रैगन से लड़ रहा है जो वास्तव में ब्राइटिस नाम की एक मंत्रमुग्ध राजकुमारी है। यहाँ एक जादू की छड़ी है, लाल सागर पर जाएं और इसे ड्रैगन की ओर इंगित करें और आबरा का डाबरा कहें। इसके बाद वे दोनों अपने मानव रूप को पुनः प्राप्त कर लेंगे। डोरोथी ने हवा का धन्यवाद दिया और जब वो लाल सागर पहुंची तो उसने शेर और ड्रैगन को लड़ते हुए पाया। उसने तुरंत अपनी जादू की छड़ी उठाई और ड्रैगन की ओर इशारा किया, आबरा का डाबरा। छड़ी का जादू ड्रैगन पर लगा और वो जमीन पर गिर गई। राजकुमार शेर ने अपना पंजा उस पर रखा और तुरंत ही वो दोनों अपने मानव रूपों में लौट आए। ड्रैगन राजकुमारी ब्रिटाइस के रूप में आ गई थी और उसने दोनों का धन्यवाद किया और फिर अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। राजकुमार और राजकुमारी भी अपने राज्य में लौट आए और फिर वो रोशनी में ही हमेशा हमेशा खुश रहने लगे। कहानी समाप्त हुई। बहुत समय पहले एक राजा और रानी रहते थे जो एक बच्चे की कामना करते थे। कई वर्षों के बाद उन्हें एक बेटी का आशीर्वाद मिला जो उन्होंने अब तक देखी सबसे सुंदर छोटी लड़की थी। पूरा राज्य खुश था और राजा ने खुद एक उत्सव के लिए सबको निमंत्रण दिया था। बच्ची के नामकरण समारोह में दोस्तों और परिवार, पुजारियों और जादूगरों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन राजा एक नाम भूल गया था, वो एक डायन, सबसे शक्तिशाली, सबसे दुष्ट। जब चुड़ैल ने उत्सव के बारे में सुना तो उसने वैसे ही समारोह में जाने का फैसला किया। स्वागत है, मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। जी महामहिम, पर नन्नी परी कहाँ है? उसकी माँ उसे जल्द ही लाएगी। हालांकि ये तो स्पष्ट था कि राजा ने ये सब अनजाने में किया था कि उससे भूल हो गई थी। इस बात ने चुड़ैल को और भी चिढ़ा दिया और उसने बदला लेने का सोचा। जब नामकरण शुरू होना था और राजकुमारी पर सुगंधित पानी का छिड़काव करना था तो चुड़ैल ने चुपके से पानी में जादू का पाउडर डाल दिया। जैसे ही इसे बच्ची पर छिड़का गया, बच्ची ने अपना सारा वजन खो दिया। वो गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होना बंद हो गई और फिर वो हंसने लगी और ठिठक गई। ये क्या है? डर के मारे नर्स ने बच्ची को छोड़ दिया
लेकिन राजकुमारी नहीं गिरी, वो हवा में उड़ गई। मेरी बेटी, ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हो सकता है कि राजकुमारी को शाप दिया गया हो। उन्होंने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए उसे पकड़ लिया। लोगों ने इस अजीब शाप के बारे में कुछ नहीं सोचा। एक बच्चा जिसका वजन कुछ भी नहीं था और जिसकी भावना खुशी थी, लेकिन वास्तव में ये बहुत गंभीर था। एक दिन किसी ने राजकुमारी के कमरे की खिड़की खोली, तेज हवा कमरे में आ गई और राजकुमारी उड़ गई। महल में बहुत खोजबीन की गई, लेकिन उन्हें बच्ची नहीं मिली। उस दिन शाम में शाही माली बगीचे से पत्ते उठा रहा था, तभी उसने पत्तों के ढेर के नीचे हंसी आने की आवाज सुनी। ये राजकुमारी थी, इसीलिए माली उसे फिर से महल में ले आया। उस दिन से राजा और रानी ने महसूस किया कि ये शाप कितना खतरनाक था। डर, सावधानी और सुरक्षा के कारण उन्होंने राजकुमारी को हर पल निगरानी में रखा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, एक कैदी की तरह से लगने लगा। केवल एक ही स्थान था जहां वो जीवित और स्वतंत्र महसूस करती थी, और ये एकमात्र ऐसी जगह थी जहां उसे लगता था कि उसका कोई वजन है। झील दिखाई दी, राजकुमारी रोज उसमें तैरती थी, और जब वो तैरती थी तभी उसे लगता कि वो वजनी है। एक दिन राजा के विद्वान टिम टॉम और बार्थोलमेव ने देखा और वो कुछ सोचकर राजा के पास आए। उन्होंने राजकुमारी की वजन की कमी के समाधान की पेशकश की। जी बोलिए, मुझे समाधान तुरंत बताइए। ठीक है, आप देखते हैं महामहिम, ये थोड़ा तकनीकी है। वो इतनी खुश मिजाज बच्ची है और हमारी परिकल्पना ये है कि ये उसकी खुशी है और इससे उसका वजन भी बढ़ेगा। अगर उसके चारों ओर बहता पानी और खुशी उसे कुछ समय के लिए ठीक कर देती है, तो शायद उसके अंदर बहने वाला पानी यानी आंसू उसे हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। हम दोनों सहमत हैं, हमें बस राजकुमारी को रुलाना चाहिए, इससे उसका ये हल्कापन ठीक हो सकता है। इसीलिए राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो राजकुमारी को रुलाएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, उसे इनाम मिलेगा। इतने सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी राजकुमारी का एक आंसू भी नहीं बहा सका। एक रात एक राजकुमार झील के पास से गुजरा और उसने देखा कि कोई पानी के बीच में डूब रहा है। वो जीवन बचाने के लिए झील में कूद गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बाहर निकालने की? मुझे लगा कि आप डूब रही हो। बहुत बुरा, मैं भारहीन हूँ। तो आप ही वो राजकुमारी है जिसमें वजन नहीं है। क्या आप कभी नीचे गिरी या डूबी हो? मैं गिर नहीं सकती, मुझे केवल हवा से उड़ाया जा सकता है और उड़ने के लिए बनाया गया है। फिर तो तुम मेरे साथ गिरने की कोशिश क्यों नहीं करती? ऐसा कहकर राजकुमार ने राजकुमारी को गोद में लेकर पानी में छलांग लगा दी, और ये वास्तव में राजकुमारी का अब तक का सबसे रोमांचक अनुभव था। तो कैसा लगा? सबसे अद्भुत, जिसे मैंने अभी तक नहीं जाना था। इसीलिए राजकुमार और राजकुमारी हर रात झील पर मिलते थे और एक साथ तैरते थे। लेकिन जब चुड़ैल को राजकुमारी के झील के प्रति प्रेम के बारे में पता चला, तो उसने झील को सुखाने के लिए उस पर जादू कर दिया। धीरे धीरे पानी समाप्त होने लगा, धीरे धीरे झील सूखने लगी, और इसके साथ ही राजकुमार को भी ऐसा ही लगा। हमारी बेटी का क्या होगा? राजकुमारी का जीवन झील से बंधा हुआ है। यदि हम झील को पुनर्जीवित नहीं करते हैं, तो हम उसे भी पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे झील सूखती गई दिन ब दिन, जबकि कुछ गहरी जगह पर ही पानी रह गया था, तो राजकुमारी न बोल सकती थी और ना ही वो नींद से जाग सकती थी। तभी एक गड्ढे में कुछ लड़कों को चट्टान के नीचे एक सुनहरी प्लेट मिली, जिसमें लिखा था, यदि झील को मनुष्यों की खातिर जीना है तो उसे एक आदमी की जान लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन उस आदमी को स्वेच्छा से अपना जीवन देने के लिए तैयार होना चाहिए। उसे झील के सूखे तल पर बैठना चाहिए जब तक कि उसका पानी उसके सिर से ऊपर तक ना उठ जाए। और जब राजा ने यह सुना तो उसने सभी को संदेश भेजा, हे महामहिम, मैं झील को अपना जीवन अर्पित करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। आपको मंजूर है? वो क्या है? अगर मैं बच गया तो आपकी बेटी से शादी करना चाहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जीवित रहेंगे
और मैं सहमत हूँ। तो राजकुमार झील के तल पर बैठ गया। फिर दरबार के कुछ लोग राजकुमारी को उसकी नाव में लेकर पहुंचे और फिर धीरे धीरे पानी ऊपर उठने लगा। जल्दी ही पानी ने उसके घुटनों को ढक दिया और फिर ये इतना ऊंचा हुआ कि राजकुमारी की नाव को थोड़ा डगमगाया। राजकुमारी ने शक्तियां वापस लेना शुरू की और वो जाग गई। उसने पानी को ऊपर उठते हुए देखा और वो बहुत खुश हुई। वो नहीं जानती थी कि राजकुमार पानी में क्यों बैठा था जबकि वो एक नाव में थी। राजकुमार, मेरी नाव तैर रही है, देखो पानी बढ़ रहा है, मेरी झील सूख नहीं रही है, हम फिर से तैरेंगे। मैं तुम्हारे साथ फिर से तैरने के अलावा और कुछ नहीं चाहता, लेकिन अब से मैं नहीं कर सकता। आपका स्वास्थ्य तभी वापस आएगा जब झील भर जाएगी, और ये तभी भरेगा जब तक मैं यहाँ तल पर हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण दे दूँ। अपने जीवन में पहली बार राजकुमारी के दिल में कुछ झटका लगा और पानी जितना ऊंचा उठा उतनी ही तेजी से उसने अपने मन में दुख को पहचाना। वो नहीं चाहती थी कि राजकुमार मर जाए। अंत में उसका चेहरा पानी के नीचे डूब गया। राजकुमारी ने फैसला लिया, उसने पानी में डुबकी लगाई और राजकुमार को सतह पर खींच लिया। जब तक वो उसे किनारे लेकर आती तब तक उसकी सांसें जैसे थम चुकी थी। राजकुमारी घबरा गई और वो रोने लगी। वो इतनी जोर से रोई जितनी वो कभी भी नहीं रोई थी। उसकी आवाज झील के पानी में गूंज रही थी। राजा के वैद्य आए और वो राजकुमार के पास बैठ गए, लेकिन वो नहीं उठा। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए महल में लेटा दिया और राजकुमारी रात भर उसके पास बैठी रही। अगली सुबह राजकुमारी और राजकुमार ने अपनी आंखें खोली। वो दोनों मुस्कुराए और खुश होकर राजकुमारी बिस्तर से उठी। उसने अपने पैरों पर जोर दिया ताकि वो हवा में उड़ने लगे, लेकिन इसके बजाय वो गिर गई। राजकुमारी, आप उड़ी नहीं, आप गिर गई। आपको अपना वजन वापस मिल गया। मेरे राजकुमार, मुझे प्यार हो गया है आपके साथ। महल में ऐसी खुशी थी, झील अपने किनारों तक भरी हुई थी। राजकुमार जीवित था और राजकुमारी को अपना भार मिल गया था। राजकुमार और राजकुमारी की शादी हुई और वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहने लगे। कहानी समाप्त हुई। रंपेलस्टिल्टस्किन। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत गरीब बुनकर रहता था और उसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा थी। वो हमेशा कहता था कि उसकी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं। एक दिन जब राजा अपने घोड़े पर बैठकर सवारी कर रहा था, उसने देखा एक लड़की नदी किनारे कपड़े धो रही थी। वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है ये, राजा ने अपने मन में सोचा। फिर उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले कि लड़की कुछ कहे, उसके पिता ने उत्तर दिया। आपको जान की खुशी होगी राजा जी, वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी जितनी अच्छी लड़की आपने कहीं नहीं देखी होगी। राजा ने उन दोनों बाप बेटी को बड़े उत्साह के साथ देखा, अपने शानदार घोड़े पर बैठकर। सचमुच आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, राजा ने जवाब दिया। बुनकर की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन उसकी काबिलियत उसके चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा विशेष है। बुनकर ने कहा। तुम क्या कहना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य से पूछा। दरअसल मेरी बेटी बुनकर कोई गुण सोचने की कोशिश करने लगा, जिसे सुनकर राजा प्रभावित हो जाए। उसकी आंखें राजा की आंखों से मिली और उसने अपनी नजर नीची कर ली। अचानक उसने देखा कि कुछ मुर्गियां सूखी घास के आसपास दाना चुग रही है। याद आया, दरअसल वो मेरी बेटी सूखी घास में से सोना बुन सकती है। बुनकर ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ राजा से ये कहा। पर पिताजी, उसने बोलने की कोशिश की क्योंकि उसे अपने पिता का ये झूठ बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब तो ये अनोखी लड़की है, राजा खुश होकर मुस्कुराते हुए बोला। अगर तुम्हारी उंगलियां सचमुच सूखी घास को सोने में बदल सकती है तो तुम्हारी जगह मेरे महल में है। आओ मेरे साथ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये सच है। राजा की बात मानने के अलावा
उस लड़की के पास कोई और चारा नहीं था। राजा के साथ घोड़े पर सवार होकर वो लड़की महल चली गई। जब वे महल पहुंचे, राजा उसे अंधेरी कोठरी में ले गया जो सूखी घास से भरी हुई थी। कोठरी के बीचों बीच एक चरखा रखा था। राजा ने कहा, कल सूरज उगने से पहले तुम्हें इस सूखी घास को सोने में बदलना होगा। अगर तुम इस काम में नाकाम रही और तुम्हारे पिता ने मुझसे झूठ बोला है तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। काल कोठरी का दरवाजा बंद होने की आवाज जब लड़की के कानों पर पड़ी तो वो इतनी डर गई कि वो रोने लगी। अचानक उसने देखा एक बौना सा आदमी उसके सामने खड़ा था। क्यों रो रही हो? उसने पूछा। मैं बहुत दुखी हूँ, वो रोते हुए बोली। राजा ने मुझसे कहा है सुबह तक सारी सूखी घास को सोने में बदलना है। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूँगी। अगर मैं ये काम कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? बौने ने लड़की से पूछा। ये मेरे गले का हार, लड़की ने बोला। बौने ने वो हार अपने हाथों में लिया और चरखे पर बैठ गया। कुछ ही समय में उसने सारी सूखी घास को बुनकर उसे सोने के धागों में बदल दिया। सुबह सूरज उगते ही राजा कोठरी के पास आया और उसने कोठरी का दरवाजा खोला। अपने आसपास इतना सोना देखकर राजा बेहद खुश हुआ। राजा का लालच यही नहीं थमा। अपने सिपाहियों के भरण पोषण के लिए उसे और भी बहुत सारा सोना चाहिए था। वो सैनिक जिन्होंने उसके राज्य को दुश्मनों से बचाकर रखा था, वो बुनकर की बेटी को एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में लेकर गया और उससे कहा, सारी सूखी घास को सुबह तक सोने में बदल दो। उस रात लड़की फिर से रोने लगी क्योंकि उसे पता था कि ये उससे नहीं हो पाएगा। पर वो बौना आदमी फिर से उसके सामने आ गया और उसने फिर से पूछा, अगर मैं तुम्हारे लिए फिर से सारी सूखी घास को बुनकर सोना बना दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मेरी कमर का ये पट्टा मैं तुम्हें दे सकती हूँ, उसने कहा। उस बौने आदमी ने वो पट्टा हाथ में लिया और फिर से चरखा घुमाने लगा और जल्दी ही एक के बाद एक सोने के धागों से बड़े बड़े गोले बनते गए। जल्दी ही सारी सूखी घास सोने में बदल गई। ये देखकर राजा खुशी से फूला नहीं समाया। उसे पता था अगर वो थोड़ा और सोना जमा कर लेगा तो उसके राज्य में फिर से खुशहाली लौट आएगी। इसीलिए उसने महल के सबसे बड़े कमरे को सूखी घास से भर दिया और उस लड़की को अंदर छोड़ दिया। अगर तुमने ये सारी घास सुबह तक बुन ली तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा और उसके बाद तुम्हें कभी फिर से सूखी घास सोने में नहीं बदलनी पड़ेगी। जब वो लड़की अकेली थी, वो बौना आदमी उसके सामने आया और बोला, सूखी घास को बुनने के बदले में इस बार मुझे क्या मिलेगा? मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं बचा, उसने जवाब दिया। तो तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा कि जब तुम रानी बनोगी तब तुम अपना पहला बच्चा मुझे दे दोगी, बौने आदमी ने कहा। लड़की ने सोचा कि वो वक्त आने से पहले बहुत कुछ बदल गया होगा, इसलिए उसने उस आदमी की बात मान ली और उससे वादा कर दिया। जब राजा सुबह वापस आया तब उसने पूरा कमरा सोने से भरा हुआ पाया। अरे वाह, बुनकर की बेटी, तुमने 3 रातों में मुझे इतना सोना दिया है जितना किसी राजा के पास नहीं होगा। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही अनोखी भी। क्या तुम मेरी रानी बनना पसंद करोगी? इस तरह बुनकर की बेटी, जिसे राजा बहुत पसंद था, वो उसकी पत्नी बन गई। कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। वो बौने आदमी को दिया हुआ वादा पूरी तरह भूल चुकी थी। अचानक एक दिन वो रानी के कमरे में आया और बोला, वादा निभाओ, बच्चा दे दो। रानी बहुत दुखी हो गई। वो बौने आदमी के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि चाहे जो भी हो उसकी सारी दौलत ले ले पर उसके बेटे को ना ले जाए। बौने आदमी ने कहा, तुम्हारी आँखों में तुम्हारे बेटे की जुदाई का दुख देख कर मैं तुम्हें उसे बचाने का एक मौका देता हूँ। तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर तुमने मेरे नाम का सही अंदाजा लगा लिया तो तुम अपने बेटे को अपने पास रख सकती हो। रानी सारी रात जागती रही। वो सारे नाम याद करने की कोशिश करने लगी जो उसने आज तक सुने थे। जब वो बौना आदमी अगले दिन वापस आया, उसने नाम लेने की शुरुआत की, डेविड, एल्विन, फ्रांसिस, पर हर नाम सुनने के बाद वो एक ही बात कहता, नहीं नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। अगले दिन रानी ने महल की सारी किताबें पढ़ ली और सारे पेचीदे नाम याद कर लिए। उसने बौने से पूछा, तुम्हारा नाम जॉन है?
जॉनी या मैथ्यू? पर वो हमेशा एक ही बात दोहराता, नहीं नहीं ये मेरा नाम नहीं है। तीसरे दिन उसने सिपाहियों को शहर के हर कोने में भेजा ये देखने के लिए कि लोग अपने बच्चे को कौन कौन से नाम से बुलाते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आया और बोला, रानी साहिबा, मैं कोई नया नाम तो अब तक नहीं जान पाया, मगर दूर पर्वत पर जो जंगल है जहाँ सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ मैंने एक बौने आदमी को आग के इर्द गिर्द नाचते गाते हुए देखा। कभी कोई नहीं पाएगा ये जान, कभी कोई नहीं पाएगा ये जान के रम्पेलस्टिल्स्किन है मेरा नाम, रम्पेलस्टिल्स्किन है मेरा नाम। नाम सुनकर रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब रात को बौना आदमी फिर से आया तो रानी ने उससे पहले पूछा, क्या तुम्हारा नाम एल्बर्ट है? नहीं। क्या तुम्हारा नाम रॉनी है? नहीं नहीं। तो क्या तुम्हारा नाम रम्पेलस्टिल्स्किन है? धत तेरे की, यही तो है, यही तो है। वो चिल्लाकर महल से बाहर इस तरह भागा कि वो दो हिस्सों में बट गया। स्नो व्हाइट और सात बोने। एक समय की बात है, एक रानी अपने महल की खिड़की पर बैठी सिलाई कर रही थी। बाहर आसमान से बर्फ की बारिश हो रही थी। काली लकड़ी से बनी खिड़कियों पर बर्फ की सफेद परत जम गई थी। सिलाई करते हुए रानी की उंगली में सुई चुभ गई। खून की लाल बूंदें सफेद बर्फ पर गिरी। रानी ने सोचा, काश मेरी एक बेटी होती जिसका चेहरा बर्फ सा सफेद होता, होठ खून की बूंदों जैसे लाल और बाल इस खिड़की के रंग जैसे काले होते। कुछ दिनों बाद रानी की इच्छा पूरी हुई और उसने बच्ची का नाम रखा स्नो व्हाइट। लेकिन बच्ची को जन्म देते ही रानी की मौत हो गई और राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी जितनी खूबसूरत थी उतनी दुष्ट भी थी। कोई औरत उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो ये ख्याल उसे बर्दाश्त नहीं होता था। रानी के कमरे में एक जादुई आईना था। वो रोज उस आईने में देखती और पूछती, जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? आईना जवाब में कहता, आप ही हो रानी सबसे खूबसूरत। दिन महीनों में और महीने साल में बदल गए और हर नया दिन स्नो व्हाइट की खूबसूरती में और निखार लाता। और एक सुबह रानी ने जादुई आईना देखा और उससे पूछा, जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? आप हो खूबसूरत ये बात है सच, मगर सबसे सुंदर स्नो व्हाइट है अब। रानी गुस्से और ईर्ष्या से आग बबूला हो गई। उसने अपनी सौतेली बेटी से तुरंत छुटकारा पाने का मन बना लिया। उसने एक शिकारी को बुलाया और शिकारी को आदेश दिया कि वो स्नो व्हाइट को जंगल के अंदर ले जाकर मार दे, सबूत के तौर पर उसका दिल निकाल कर लेकर आए, जिससे रानी को यकीन हो जाए कि स्नो व्हाइट मर चुकी है। शिकारी स्नो व्हाइट को दूर घने जंगल में ले गया, पर जैसे ही उसने स्नो व्हाइट को मारने के लिए हथियार उठाया, उसे स्नो व्हाइट की सुंदरता और सौम्यता का एहसास हुआ। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, पर मैं तुम्हें महल वापस भी नहीं ले जा सकता, और अगर यहाँ छोड़ा तो जंगली जानवर तुम्हें बहुत जल्द खा जाएंगे। उसने स्नो व्हाइट को जंगल में छोड़ दिया और वापस जाते वक्त उसने एक हिरण का शिकार किया, फिर उस हिरण का दिल निकाल कर सबूत के तौर पर रानी को दे दिया। बेचारी स्नो व्हाइट काले घने जंगल में डर के मारे भटकती रही। झाड़ियों के पीछे जंगली शेरों की नजर स्नो व्हाइट पर पड़ी, पर मानो जैसे करिश्मा उन्होंने स्नो व्हाइट पर हमला नहीं किया। जब रात हुई तब स्नो व्हाइट को जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा घर नजर आया। उसने आवाज लगाई पर किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजा खटखटाया पर किसी ने नहीं खोला। उसने दरवाजा खोला और भीतर चली गई। नीचे छत वाले इस मकान में उसने लकड़ी की छोटी मेज और छोटी कुर्सियां देखी। उस मेज पर सात नाश्ते की कटोरियां, सात चम्मच और सात प्याले थे। ये घर सात बोनों का था। वो पहाड़ी पर सोने की तलाश में खुदाई का काम करते थे। स्नो व्हाइट को तेज भूख लगी थी। वो कुर्सी पर बैठी और उसने हर कटोरी में से थोड़ा थोड़ा नाश्ता किया और हर प्याले में से थोड़ा थोड़ा दूध भी पिया। फिर वो ऊपर की मंजिल पर गई जहां उसे एक कमरा मिला। कमरे में सात छोटे छोटे पलंग थे। वो एक पलंग पर जाकर लेट गई। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में सो गई।
जैसे ही चांद आसमान में खिला, वो सात बौने घर पर लौट आए। हर एक ने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में लालटेन पकड़ रखी थी। हर एक की कमर पर चमड़े का थैला था जिसमें सोना था। जैसे ही उन्होंने लालटेन मेज पर रखी, उन्होंने देखा कि किसी ने उनके घर में घुसपैठ की है। देखो, किसी ने हमारा खाना खाया। हाँ हाँ, किसी ने हमारा खाना खाया है, वो चिल्लाने लगे। फिर वो ऊपर अपने कमरे की ओर गए। स्नो व्हाइट को पलंग पर सोते देख वो चौंक गए। ये परी जैसी सुंदर लड़की कौन है? ताज्जुब की बात है, कौन है ये? वो एक दूसरे से लड़की के बारे में पूछने लगे। स्नो व्हाइट ने जाकर अपनी कहानी बताई। बौनों को उसके लिए दुख हुआ और दया भी आई। उन्होंने स्नो व्हाइट को अपने साथ ही रहने के लिए कहा। उसे घर संभालने का काम सौंपा गया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जब वो पहाड़ी पर अपने काम पर जाए तो वो किसी के लिए भी दरवाजा ना खोले, क्योंकि उन्हें शक था कि अगर दुष्ट रानी को पता चला कि स्नो व्हाइट जिंदा है तो वो उसे फिर से मारने का प्रयास करेगी। स्नो व्हाइट उन सात बौनों के साथ रहने लगी। वो घर की और कमरों की सफाई करती, बर्तन मांजती और सबके लिए खाना भी बनाती। बौनों के साथ वो बहुत खुश थी। थोड़ी ही दिनों में वो अपनी सौतेली माँ की दुष्टता को भूल चुकी थी। एक दिन रानी ने फिर से जादुई आईने में देखकर पूछा, जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? आप हो खूबसूरत, इसमें क्या है शक? स्नो व्हाइट है ज्यादा सुंदर, ये बात अब तक है सच। हमें जंगल की एक चिड़िया ने बताया, सात बौनों के साथ ग्रह बसाया। दुष्ट रानी गुस्से से लाल हो गई। उसे पता चल गया कि शिकारी ने उसे धोखा दिया था। अब उसने सोचा कि वो स्नो व्हाइट को अपने हाथों से मारेगी। उसने भेष बदला और रूप लिया एक मुसाफिर का और जंगल में उन बौनों के घर की ओर चल पड़ी। स्नो व्हाइट खिड़की पर बैठी बौनों के फटे कपड़े सी रही थी। दुष्ट रानी ने आवाज बदलकर उसे बुलाया, सुई ले लो, धागा ले लो, कपड़े के लिए चमकीले रिबन ले लो। रंग बिरंगी रिबन देकर स्नो व्हाइट बहुत खुश हो गई। वो बौनों की दी हुई चेतावनी को भूल गई थी और दौड़कर दरवाजा खोलने के लिए पहुंची। तुम्हारा लिबास तो बहुत अच्छा है, पर उस पर लगा ये रिबन ठीक से बंधा नहीं है, मुसाफिर के भेष में दुष्ट रानी ने कहा। लाओ, मैं इसे ठीक से बांध दूं। ये कहते ही रानी ने स्नो व्हाइट का लिबास इतना कस के बांधा कि बेचारी स्नो व्हाइट सांस भी नहीं ले पा रही थी। सांस ना ले पाने की वजह से स्नो व्हाइट जमीन पर ऐसे गिरी मानो शरीर से जान निकल गई। दुष्ट रानी खुश होकर अपने महल की ओर भागने लगी। रात को जब वो सात बौने घर वापस आए, उन्होंने देखा स्नो व्हाइट जमीन पर निर्जीव पड़ी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उन्हें पता चल गया कि क्या हुआ था। उन्होंने कसके बंदी रिबन को चाकू के सहारे काट दिया। जैसे ही रिबन कटी, स्नो व्हाइट की सांसें वापस आ गई और स्नो व्हाइट मौत के मुंह से बाहर आ गई। उसने बौनों को बताया जो कुछ भी उसके साथ हुआ। बौनों को पता चल गया कि वो औरत और कोई नहीं, भेष बदली हुई दुष्ट रानी थी जो स्नो व्हाइट को अब भी मारना चाहती थी। याद रखो, तभी किसी के लिए दरवाजा मत खोलो। और स्नो व्हाइट ने वादा किया कि आज के बाद वो किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। उस रात दुष्ट रानी फिर से जादुई आईने के पास आई। जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? आप हो खूबसूरत, इसमें क्या है शक? पर स्नो व्हाइट है ज्यादा, ये बात अब तक है सच। गुस्से में दुष्ट रानी महल के तहखाने की तरफ भागी, जहाँ उसने अपने गुप्त काले जादू की दुनिया बसा रखी थी। वहाँ उसने एक जहरीला सेब बनाया। सेब एक ओर से हरा और दूसरी ओर से गहरा लाल था। सेब का हरा हिस्सा तो खाने लायक था, लेकिन अगर जहरीला लाल हिस्सा खाया तो इंसान की मौत पक्की। दुष्ट रानी ने फिर से भेष बदला। इस बार एक सेब बेचने वाली औरत का भेष धारण किया, मैले कपड़े और हाथों में एक सेबों से भरा थैला लेकर। वो रंग बिरंगा जादुई सेब उसके थैले में सबसे ऊपर रखा था। वो जंगल में बौनों के घर पहुंची। स्नो व्हाइट उस वक्त एक कुएं से पानी निकाल रही थी। अनजान औरत को अपने पास आता देख वो घबरा गई और दौड़कर घर के अंदर चली गई। उसने झट से दरवाजा बंद किया और उसने उस औरत की आवाज सुनी, सेब ले लो, ताजे मीठे सेब ले लो। ये सुन स्नो व्हाइट के मुंह में पानी आ गया।
उसने सोचा, अगर मैं खिड़की खोलूं और दरवाजा बंद रखूं, तब तो मुझे कोई खतरा नहीं। उसने घर की खिड़की खोल दी और बाहर झांक कर बोली, मुझे तुम्हारी सेब दिखाओ। रानी ने कहा, ये वाला सेब खाओ, ये सबसे ताजा और सबसे मीठा है। ये कहते ही रानी ने जहरीला सेब थैले से निकाला। स्नो व्हाइट सोच में पड़ गई। ये देखकर रानी बोली, घबराओ मत, इसे खा लो। देखो, मैं इसे दो हिस्सों में बांट देती हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। दुष्ट रानी सेब का हरा हिस्सा खाने लगी और लाल हिस्सा उसने स्नो व्हाइट को दे दिया। स्नो व्हाइट सेब खाने से अपने आप को रोक ना पाई, पर जैसे ही उसने खाया वो जमीन पर गिर गई। उस रात दुष्ट रानी ने जादुई आईने को साफ किया और फिर से पूछा, जादुई आईने, ये तो बता, सबसे खूबसूरत कौन है भला? इस धरती से लेकर आसमान तक आपसे खूबसूरत कोई नहीं है अब। जब बौने रात को घर वापस लौटे, उन्होंने स्नो व्हाइट को जमीन पर मरा हुआ पाया। निर्जीव स्नो व्हाइट के शरीर के लिए उन्होंने एक कांच का ताबूत बनाया और आसपास फूलों के पौधे लगा दिए, ताकि वो दिन रात ताबूत की निगरानी कर सके। एक दिन एक युवा राजकुमार घोड़े पर बैठकर अपने शिकारियों के साथ वहां आया। जैसे ही उसकी नजर कांच के ताबूत पर पड़ी, वो घोड़े से नीचे उतर गया। जब उसने ताबूत के अंदर लेटी उस लड़की को देखा, वो हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रही है। उसका चेहरा बर्फ सा सफेद था, होंठ खून के रंग जैसे लाल और बाल जंगल की लकड़ियों जैसे काले थे। राजकुमार उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया था। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ये ताबूत अपने साथ ले जाने दीजिए। बदले में मैं आपको बहुत सारा सोना दूंगा, इतना कि सारी जिंदगी पहाड़ियों को खोदकर आप नहीं निकाल पाओगे। नहीं नहीं, ये लड़की हमारे लिए सारी दुनिया के सोने से भी ज्यादा अनमोल है। जब उन्होंने देखा कि राजकुमार उनकी प्यारी सी स्नो व्हाइट के प्यार में पड़ चुका है, उन्होंने वो ताबूत राजकुमार को भेंट स्वरूप दिया। राजकुमार ने अपने शिकारियों से कहा कि वे इस ताबूत को संभाल कर ले आए, पर जैसे ही शिकारी ताबूत को उठाकर ले जाने लगे, एक शिकारी का पांव फिसला और उस धक्के के कारण स्नो व्हाइट के मुंह से जहरीला सेब बाहर निकल आया। जैसे ही जहरीले सेब का टुकड़ा बाहर निकला, स्नो व्हाइट चिर निद्रा से जाग गई और दंग होकर देखने लगी। स्नो व्हाइट के साथ जो भी हुआ था वो राजकुमार ने उसे बताया और उसे अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव भी रखा। और स्नो व्हाइट, जिसे राजकुमार पहली नजर में ही पसंद आ गया था, उसने शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी शादी की खुशी में पूरे राज्य को दावत दी गई और तो और दुष्ट रानी को भी न्योता भेजा गया। जैसे ही वो दावत के लिए तैयार हुई, वो जादुई आईने के पास गई और आईने को जाकर अपने बारे में पूछा, जादुई आईने, ये तो बता, सबसे खूबसूरत कौन है भला? कोई नहीं था आपसा, न दासी न रानी, पर स्नो व्हाइट तो अब बन गई आपसे भी बड़ी महारानी। आपकी सुंदरता किसी के काम न आई, स्नो व्हाइट की अच्छाई सबके दिल पर है छाई। जैसे ही रानी ने ये शब्द सुने, वो गुस्से में आ गई और उसने आईने को जमीन में पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जलन के मारे रानी का चेहरा लाल पड़ गया था। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी वजह से उसने अपने प्राण छोड़ दिए। पर स्नो व्हाइट और राजकुमार साथ साथ हमेशा खुश रहने लगे। एक जमाने में एक किसान रहता था जिसके दो बेटे थे। उनका नाम ऑस्टेन और कार्टर था। कार्टर, इधर आओ, थोड़ा काम है। मुझे परेशान मत करो बुड्ढे, मैं आराम कर रहा हूँ। ऑस्टिन, बाढ़ का काम पूरा करो, मैं गांव में होकर आता हूँ। जी पिताजी। जाते समय वो इंसान सोच रहा था, गाल होने से पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा बैठ कर सोचता हूँ। वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ दो लोग और बैठे थे, उसने उनकी बातें सुनी। राजा की बेटी को दो ड्रैगन और एक बुढ़िया ने एक महल में कैद कर रखा है। जो कोई उसे वहाँ से छुड़ाना चाहता है, उसे तीन मुश्किल कसौटियों से गुजरना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि वो कसौटियाँ बड़ी मुश्किल हैं, है ना? जो इन कसौटियों को पूरा नहीं कर सकता, उन्हें ड्रैगन खा जाते हैं।
और अगर किसी ने इन तीनों कसौटियों को पूरा किया तो वो इंसान राजकुमारी से शादी कर सकेगा, उसे महल भी मिलेगा और खजाना भी। फिर किसान ने सोचा, ओह काडर ये काम करेगा, वो तीनों कसौटियां पूरी करेगा, राजकुमारी से शादी करेगा और इस साम्राज्य का राजा बनेगा। कुछ दिनों बाद काटर उसके इकलौते घोड़े पे बैठकर मंत्रित महल के ओर जाने के लिए निकल पड़ा। उसने पिताजी की दी हुई तलवार हवा में लहराई। वो एक दुष्ट मन का लड़का था। जब वो चींटियों के टीले के पास से गुजरा तब उसने उसे गिरा दिया। उसके बाद वो करीब के तालाब से पानी पीने गया। वहाँ उसने बतख के छोटे बच्चे देखे। उसने उन्हें भी परेशान किया। उसके बाद उसने मधुमक्खियों का एक छत्ता देखा और उसे भी अपनी तलवार से तबाह कर दिया। इस तरह आखिरकार वो महल तक पहुंच गया। कोई है? तुरंत दरवाजा खोल दो। थक गया हूँ। मुझसे यहाँ इंतजार मत करवाओ वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अंत में एक बूढ़ी औरत ने उसकी मीठी आवाज में दरवाजा खोला। कौन है दरवाजे पर? मैं एक घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, तुम बहरी हो क्या? अरे मैं बहरी नहीं हूँ। मुझे राजकुमारी को बचा के राजा बनना है। रुको रुको, पहले तुम्हें तीन कसौटियाँ पार करनी होंगी। क्या कसौटियाँ? मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं सूरजमुखी के बीच हवा में फेंकने वाली हूँ, वे हवा से इधर उधर उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें उन्हें उठाकर थैली में जमा करने हैं और ये सब एक घंटे में करना है, ठीक है? तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? ये किस तरह की कसौटी है? मैं एक घंटे में वापस आती हूँ। बूढ़ी औरत ने बीज फेंके और उसने दरवाजा बंद कर दिया। ये तो नामुमकिन है, मैं कोई भी बीज नहीं उठाने वाला हूँ। जब बूढ़ी औरत वापस आई तब उसने दूसरी कसौटी के बारे में बताया। उसने 12 सोने की अंगूठियां एक गहरे तालाब में फेंक दी। तुम्हें इन्हें निकालना है, वो भी एक घंटे में। मैं पागल नहीं हूँ, पानी बहुत गहरा है और ठंडा भी। तुम कसौटियों को पूरा नहीं कर रहे हो बेटा। ठीक है चलो तीसरी कसौटी देती हूँ बेटा, चलो मेरे साथ। मैं पक रहा हूँ। अब वो महल के अंदर पहुँच गए और सीधे अंधेरे कमरे में चले गए। ये तीन पुतले सफेद कपड़े से ढके हैं। तुम्हारे पास एक घंटा है बताने के लिए कि कौन सी राजकुमारी है। अगर तुमने सही बताया तो वो मुक्त हो जाएगी, वरना मैं दाएं पुतले को चुनता हूँ। दाएं पुतले, खुद को खोल दो। ड्रैगन नहीं 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 कुछ दिनों बाद किसान ऑस्टिन से बात कर रहा था। काटर कहाँ है? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। पिताजी मैं जाता हूँ उस महल में। नहीं बेटा, मैं मेरा इकलौता बेटा नहीं खोना चाहता। यकीन कीजिए पिताजी, मैं वापस लौट कर आऊंगा। लेकिन मेरे पास ना घोड़ा है ना तलवार है तुम्हें देने के लिए। ऑस्टिन ने सिर्फ पाव का एक टुकड़ा लिया और मंत्रित महल की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी चींटियाँ अपना टीला बनाने की कोशिश कर रही हैं। बेचारी चींटियाँ, किसने तोड़ा तुम्हारा टीला? मैं इसे बनाने में मदद करता हूँ। अपना काम करने के बाद वो पानी पीने के लिए तालाब पे गया। वहाँ उसने बतख के कुछ बच्चे देखे। बेचारे बत्तख के बच्चे, तुम लोगों को भूख लगी होगी ना? ये लो मेरा पाव का टुकड़ा। बत्तख के बच्चों ने पाव का टुकड़ा खत्म किया। उसके बाद उसे जमीन पे गिरा हुआ मधुमक्खियों का छत्ता दिखा। उसने वो उठाकर पेड़ की टहनी पे रख दिया। फिर वो महल की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर उसने दरवाजा खटखटाया। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? जी मैं राजकुमारी को बचाने आया हूँ। कोशिश कर सकते हो। बूढ़ी औरत ने सूरजमुखी के बीज जमीन पे फेंक दिए और वो चले गई। थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूंगा।
45 मिनट के बाद ऑस्टन कोशिश करना छोड़ने ही वाला था। इतने में उसकी मदद के लिए चींटियां आ गई। वो उसकी शुक्रगुजार थी क्योंकि उसने उनका टीला बनाने में मदद किया था। वाह, इतनी सारी चींटियां, शुक्रिया मेरे दोस्तों। ये थैली फिर से बीजों से भर गई है। फिर वो बूढ़ी औरत वापस आई। तुमने अच्छा काम किया, थैली बीजों से भर गई है। अच्छा, अब तुम्हें दूसरी कसौटी पूरी करनी है। देखो, तुम्हें ये 12 अंगूठियाँ ढूंढनी है। ऐसा कहके बूढ़ी औरत ने अंगूठियों को पानी में फेंक दिया। ऑस्टिन ने पानी में छलांग लगाई पर पानी बहुत गहरा था। वो उन अंगूठियों को नहीं निकाल पाया, लेकिन उसने देखा कि पानी में कुछ हिल रहा है। वो बतख के बच्चे थे जो उसकी मदद करने आए थे, क्योंकि उसने उन्हें अपना पाव का टुकड़ा खिलाया था। वाह, शुक्रिया मेरे दोस्तों। अब मेरे पास 12 की 12 अंगूठियां हैं। वो सीधा बूढ़ी औरत से मिलने चला गया। आह, सभी 12 अंगूठियां, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। बूढ़ी औरत ने ऑस्टिन को तीसरी कसौटी के बारे में समझाया। जब उसने सामने 3 पुतले देखे, तब वो पहचान नहीं पा रहा था कि उसमें से राजकुमारी कौन सी है। ये तो सभी एक जैसे लगते हैं। सोचो ऑस्टिन, सोचो, कौन सी राजकुमारी हो सकती है। अचानक से सैकड़ों मधुमक्खियाँ खिड़की से आईं और वो बीच वाले पुतले पर भिनभिनाने लगी। मैं बीच वाला पुतला चुनता हूँ। ओह, बीच वाले पुतले, खुद को खोलो। सफेद कपड़ा नीचे गिर गया और राजकुमारी प्रकट हो गई। मुझे बचाने के शुक्रिया ऑस्टिन। राजकुमारी बहुत खुश थी। फिर उन्होंने देखा कि ड्रैगन महल छोड़ के बाहर वापस जा रहे हैं। अब तुम इस महल के मालिक हो, मैं चलती हूँ। फिर ऑस्टिन ने आगे बढ़कर राजकुमारी से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और खुद किस्मती से उसने हाँ कह दी। इसके बाद वे हंसी खुशी रहने लगे, मधुमक्खी के छत्ते बनाने लगे और अपने महल में प्यारे प्यारे बतख के बच्चे भी पालने लगे। समाप्त। बर्फ की रानी। गौडा एक जवान लड़की थी जो अपनी दादी के साथ रहती थी। उसका मंगेतर बगल वाले घर में ही रहता था। उसका नाम था के। गेडा और के, इन दोनों के घर के बीच में एक पैदल रास्ता था। गेडा और के ने अपने प्यार की निशानी के तौर पर लाल गुलाब के पौधे वहाँ पर लगाए थे। वो हमेशा शादी की बात किया करते थे। सर्दियों के दिनों में एक दिन जब वे गुलाब के पौधों के पास बैठे थे, तब दादी चिल्लाई, देखो बर्फ की रानी बर्फ इकट्ठे कर रही है। गेडा और के तेजी से खिड़की की तरफ भागे। के ने बर्फ की रानी को खिड़की से देखा और अपनी जीभ बाहर निकालकर उसे चिढ़ाने लगा। ऐसा मत करो के, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। फिर वो गेडा के घर के बाहर वाले रूम से निकलकर अपने घर की खिड़की की ओर अपने कमरे में चला गया। उस रात जब वो सोने के लिए जा रहा था, तब वो अपनी खिड़की से बाहर झांककर देखने लगा। तब उसने एक अनोखी बर्फ का काया देखा और वो बर्फ का काया धीरे और धीरे तेजी से बढ़ता चला गया। उसने देखा कि वो तो बर्फ की रानी थी, जिसके हाथ में मिठाई की एक बड़ी सी थाली थी। उस थाली से के ने मुट्ठी भर मिठाई उठा ली, क्योंकि के इतनी सारी मिठाई देखकर खुद को रोक नहीं पाया था। उस औरत ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और खिड़की से बाहर उसे निकाल कर ले गई। उसके घोड़ों का झुंड अचानक से उड़ने लगा। के को बहुत डरना चाहिए था, लेकिन मिठाई खाने की लालच उसके दिमाग पर बहुत हावी था, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अगले दिन सुबह जब गेडा उससे मिलने आई, के वहाँ नहीं था। वो यहाँ वहाँ गेडा को ढूंढने लगी। वो गांव के चौक तक भी गई और वो जोर जोर से रोने लगी, क्या आपने मेरे के को देखा है? मेरा के कहाँ चला गया? लेकिन के को किसी ने देखा नहीं था, किसी को पता नहीं था कि के कहाँ गया था। मेरा के बस जिंदा हो, कृपया मेरा के जिंदा हो। मुझे नहीं लगता कि वो मरा होगा। गेडा ने ऊपर देखा, वहाँ पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। जब हम खाना ढूंढते हैं, तब हम छतों पे बैठते हैं और हम सब कुछ देख सकते हैं। अगर वो नदी में गिरा होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। मैं जाकर नदी की परी से पूछूंगी।
गेड़ा के दिल में आशा की एक नई किरण जाग उठी थी। अगर वो डूब गया होगा तो नदी के परी को पता होगा। तो गेड़ा नदी के पास गई और वो जोर से चिल्लाई, नदी परी, नदी परी, क्या आपने के को देखा है? क्या वो आपके गहरे पानी में गिर के डूब गया है? और नदी परी पानी के ऊपर आई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसने कहा, ओ मेरी प्यारी बच्ची, नहीं, तुम्हारा के यहाँ पर नहीं आया। अब रोना मत। फिर कहाँ है वो? काश मुझे पता होता बेटी, लेकिन एक बूढ़ी चुड़ैल है जो किनारे रहती है, वो तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन उससे सावधान रहना होगा। मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी करूँगी, क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकती हैं? क्यों नहीं, उस छोटी नाव में बैठ जाओ, मेरी धाराएं तुम्हें चुड़ैल की झोपड़ी तक ले जाएंगी। फिर नदी परी गायब हो गई और ग्रेडा नाव में बैठ गई। जैसे धारा तेज हो रही थी, वैसी छोटी नाव तेजी से तैर रही थी। फिर गेड़ा ने झोपड़ी को देखा। एक बूढ़ी औरत लड़खड़ाते हुए बाहर आई। वो झुकी हुई थी और हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी। बूढ़ी औरत नदी के किनारे आई और नाव को अपनी छड़ी से पकड़कर किनारे की ओर खींच लिया। उसने गेड़ा को अपना हाथ दिया। हालांकि गेड़ा उस अजीब सी बूढ़ी चुड़ैल से डर गई थी, लेकिन फिर भी उसे अपने प्यार को वापस पाना था। आओ, मुझे बताओ तुम कौन हो? गेड़ा ने उसे सब कुछ बता दिया। क्या आपने मेरे के को देखा है? नहीं, लेकिन शायद वो आ सकता है। वो झोपड़ी के अंदर चले गए। वहाँ मेज पर सुंदर चेरी का एक टोकरा रखा हुआ था। गेड़ा, अब तुम दुखी मत होना, तुम्हारा प्यार तुम्हारे लिए वापस आ जाएगा। लो, ये चेरी खाओ तुम। जब गेड़ा खा रही थी, तब बूढ़ी औरत अपने लंबे सोने की कंघी से धीरे धीरे अपने बालों को कंघी कर रही थी। काश तुम्हारे जैसी पोती मेरे पास होती। गेड़ा तो के बारे में भूल गई थी, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने जादू की कंघी से उस पर जादू कर दिया था। बूढ़ी चुड़ैल गेड़ा को अपने पास रखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद गेड़ा बोलने लगी, मैं यहाँ हमेशा के लिए रहूंगी। लेकिन एक दिन बगीचे में गेड़ा ने लाल गुलाब के फूल को देखा। इससे गेड़ा को के की याद आ गई। के की याद ने बूढ़ी औरत के जादू को तोड़ दिया और गेड़ा बगीचे की गेट की ओर भागने लगी। वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकी और पत्थर के पुल पर रुक गई। अचानक उसे ट्रोल्स ने घेर लिया था और वो सब गेड़ा को पकड़ने के लिए उसकी ओर भागे। ये मोटी और सुंदर है, इसे बादाम और शहद खिलाया है, कितनी स्वादिष्ट लगेगी ये मेरे साथ खेलेगी, मुझे इसकी मफलर और सुंदर कपड़े चाहिए। छोटी ट्रोल लड़की ग्रेडा की ही उम्र की ही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने ग्रेडा को कमर से पकड़ लिया और कहने लगी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। सभी ट्रोल्स हंसने लगे। वो छोटी ट्रोल की लड़की के खातिर ग्रेडा को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ग्रेडा ने उसे अपनी कहानी सुनाई कि वो के से बहुत प्यार करती है। खाने पीने के बाद वो दोनों पत्थर के पुल के नीचे से जाने लगे। तब उनके ऊपर 100 से ज्यादा कबूतर सोने का नाटक करके उनकी बातें सुनने में मशगूल थे। हमने के को देखा है। कहाँ पर? बर्फ के रानी की गाड़ी में। वो कहाँ जा रहे थे? लैपलैंड, बर्फ की रानी का महल वहीं पर है। छोटी ट्रोल लड़की गंभीरता से देख रही थी। फिर उसने अपना सर हिलाया और कहा, तुम्हारा प्यार वापस करने में मैं मदद करूंगी। छोटी ट्रोल लड़की अपने पालतू जानवर बरसिंघा के पास गई, आंखें मूंद ली और उसने कहा, मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी, तुम तेजी से दौड़कर इस प्यारी सी लड़की को बर्फ की रानी के महल में लेकर जाओ, के को ढूंढने में इसकी मदद करो। फिर छोटी ट्रोल लड़की ने बारहसिंगा की रस्सी खोल दी। ग्रेडा और बारहसिंगा दोनों निकल पड़े बर्फ की रानी के महल की ओर। वहाँ उसने गेड़ा को नीचे उतार दिया। तुम यहाँ से अकेली ही चली जाओ,
तुम्हारे वापस आने तक मैं यहीं रुकूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे प्यार को सुरक्षित घर पहुँचाऊंगा। गेड़ा बर्फ की रानी की ऊंची महल के बाहर अकेले चलने लगी। वो अचानक हजारों बर्फों के किन्नों से घिर गई जो उस पर भड़क गए थे। वो बर्फ की रानी के रक्षक थे। गेड़ा ने प्रार्थना की। ठंड इतनी जबरदस्त थी कि वो अपनी सांस देख सकती थी। ये उसके मुंह से भाप की तरह निकल रही थी। वो प्रार्थना करने लगी और उसके मुंह से भाप निकल रहे थे जो धीरे धीरे एक एंजल के रूप में आ गए। जब तक गेड़ा प्रार्थना करती रही, उसके चारों तरफ एंजल्स आ गए थे। उन्होंने बर्फ के कन्नों पर हमला किया और लड़ाई शुरू हो गई। गेड़ा तेजी से बर्फ की रानी के महल की ओर बढ़ने लगी और वहाँ उसे के मिला। वो बर्फीली दीवारों के बीच था। के, मेरे प्यारे के, आखिर तुम मुझे मिल गए। के ठंड से लगभग जम गया था और सिर से पैर तक नीला पड़ गया था। उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि वो टर्किश मिठाइयों का आदी हो चुका था। उसे कुछ भी सूझता नहीं था। इस दौरान बर्फ की रानी उस पर मिठाइयों के सारे पूरे शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग कर चुकी थी। ग्रेडा ने के को गले लगाए और रोने लगी। उसके गर्म आंसू उसके सीने पर गिरे जो उसके दिल के रास्ते होकर उसके शरीर में घुस गए। बर्फ पिघल गए और के होश में आ गया। के ने गेड़ा को पहचान लिया और वो खुशी से रो पड़ा। गेड़ा, इतने समय से तुम कहाँ थी? के, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। एक दूसरे को गले से लगाकर वो खुशी के मारे हंसने लग गए। वफादार बरा सिंगा उनकी राह देख रहा था। उन्हें आता देख वो नीचे झुक गया और अपनी पीठ पर उन दोनों को बिठा लिया। वो घर के लिए निकल पड़े। उनकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता झलक रही थी। उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। कहानी समाप्त। एक जमाने में फ्लोरेंस नाम के शहर में एक बहुत ही सुंदर और होशियार लड़का रहता था जिसका नाम था जॉनी, जिसने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। बहुत सालों बाद उसके पिताजी ने दोबारा शादी की और अब उसकी सौतेली माँ उसका ख्याल रखती, जिसका नाम था रुबेला। वो बहुत ही बुरी औरत थी जो जॉनी और उसके पिताजी को तबाह करना चाहती थी। मुझे ये लड़का और उसके पिता बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मुझे पहले लड़के से छुटकारा पाना होगा। मैं ऐसा क्या करूं ताकि वो घर छोड़कर चला जाए? मैं उसे खाना नहीं देती, उससे अच्छा बर्ताव नहीं करती, और तब भी वो यही है। जॉनी टेबल पर बैठा था। ये रोटी कितनी सख्त है, मुझे इसे पानी में भिगोना होगा ताकि यह नरम हो जाए और मैं इसे खा सकूं। जब वो पानी के फवारे के पास रोटी भिगोने गया तब वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था जो बहुत ही गंदा दिख रहा था। मैं बहुत भूखा हूँ नन्हे लड़के, क्या तुम मुझे अपनी एक रोटी का एक टुकड़ा दे सकते हो? बिल्कुल सर, लेकिन यह बहुत ही सख्त है और आपको देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। मुझे चलेगा। और उस बूढ़े आदमी ने रोटी खा ली। शुक्रिया बेटे, तुमने अच्छा काम किया है और तुम इनाम के हकदार हो। तुम्हें बताना होगा कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं एक बहुत शक्तिशाली जादूगर हूँ। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं देता हूँ। जॉनी ने सर खुजाकर सोचा कि उसे क्या चाहिए। मैंने सोचा और मुझे ये 3 चीजें चाहिए। पहले कि जब जब मेरी सौतेली माँ मुझे देखेगी तब तक वे बस हंसती रहे और हंसती रहे। दूसरी, मुझे एक गेंद चाहिए और जब भी मैं उसे फेंकूं तो उछलना बंद नहीं करेगी। और तीसरी, एक जादुई बांसुरी जो लोगों को नचा सके। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और ये रही तुम्हारी उछलने वाली गेंद और तुम्हारी बांसुरी। फिर वो आदमी गायब हो गया और जॉनी घर चला गया। वो सीधे अपनी सौतेली माँ के पास गया। माँ, मैंने अभी अभी रोटी खा ली। बहुत हे भगवान, मेरी
हंसी तो रुक ही नहीं रही। और वो जितना उसकी तरफ देखती उतना ही ज्यादा हंसने लगती। माँ आप हंस क्यों रहे हो? हंसने जैसी क्या बात है? फिर उसे समझ आया कि उसकी इच्छा पूरी हो चुकी है। मैं अपने कमरे में जाता हूँ, कल मिलते हैं। जैसे ही लड़का कमरे से चला गया उनकी हंसी रुक गई। ये क्या हो रहा है, मेरी हंसी तो रुक ही नहीं रही। जब जब लड़का अपनी सौतेली माँ से मिलने आता वो हंसने लगती। वो कुछ नहीं कर पा रही थी, वो ना तो खाना बना पा रही थी, ना घर का ख्याल रख पाती और ना ही सो पाती। वो बस हंसते और हंसते और हंसते ही रहती। कोई तो होगा जो मेरी मदद कर पाएगा, ऐसे तो नहीं जी सकती मैं। उसने डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टरों ने मुझे दवाइयाँ तो दी लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब कौन मेरी मदद करेगा? अब मैं पहाड़ी पर जाऊंगी। लोग कहते हैं कि वहाँ एक जादूगर रहता है। लोग कहते हैं कि वो बहुत होशियार हैं। इसलिए अगले दिन वो जादूगर को ढूंढते हुए निकल पड़ी। तुम पर किसी ने जादू किया है? शायद मेरे सौतेले बेटे ने। उसने तुम पर एक जादुई और रहस्यमय मंत्र फूका है, मुझे उससे बात करने दो। और जादूगर उस पानी की फवारे के पास गया जहाँ उसने उस लड़के को रोटी भिगोते हुए देखा था। कैसे हो लड़के, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी सौतेली माँ की मदद करना चाहता हूँ। मुझे जल्दी बताओ कि तुमने उसके साथ क्या किया है। मैंने तो कुछ नहीं किया। पिछले कुछ दिनों में तुमने किससे बातें की? तुम क्या कर रहे थे, मुझे बताओ। आप बहुत सवाल कर रहे हैं और मैं थक गया हूँ। आपको ये गेंद दिख रही है? हाँ, क्यों? फिर लड़के ने गेंद ली और वो उछलते ही रही। अगर आप गेंद को पकड़कर रोक सके तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। जादूगर ने गेंद का पूरे खेत में पीछा किया और वो गेंद के साथ साथ खो गया। जादूगर की जानकारी ना मिलने पर सौतेली माँ ने जॉनी को राजा के पास ले जाने का निर्णय लिया। इस लड़के के खिलाफ क्या आरोप है? ये एक जादूगर है। तुम्हें कैसे पता? मैं जब उसकी तरफ देखती हूँ तब मेरी हंसी रोक ही नहीं पाती। मैं देख सकता हूँ कि तुम बात नहीं कर पा रही हो। खैर मैं बहुत जल्दी में हूँ। लड़के तुम्हें जेल जाना होगा। ठीक है, लेकिन जेल जाने से पहले मैं मेरी बांसुरी बजाना चाहता हूँ। जितनी देर चाहे बजा सकते हो। जैसे ही जॉनी बांसुरी बजाने लगा उसकी सौतेली माँ, दरबार के लोग और राजा सभी ऐसे नाचने और कूदने लगे मानो उनके पैरों में स्प्रिंग्स लगे हों। मैं थक गई हूँ। मैं यह और नहीं कर सकता। भगवान के लिए हम पर दया करो, दया करो। राजा अगर आप मुझे वचन दे क्या आप मुझे छोड़ देंगे और आप मुझे मेरी सौतेली माँ से दूर रखोगे तो मैं बांसुरी बजाना बंद कर दूंगा। वचन देता हूँ, वचन देता हूँ। लड़की ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और अचानक सभी ने नाचना भी बंद कर दिया। और रही तुम्हारी सौतेली माँ की बात तो उसे दूर के शहर में जाना होगा और कभी वापस वह इस शहर में नहीं आ सकती, तुम्हें तंग करने भी नहीं आ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद नन्हा जॉनी खुशी से और आराम से रहने लगा। बौने और मोची। एक बार एक मोची हुआ करता था जो बहुत मेहनती था और बहुत अच्छे जूते बनाया करता था, लेकिन फिर भी इससे उसका गुजारा नहीं होता था।
आखिर में उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके पास बस इतना चमड़ा बचा था कि सिर्फ एक जोड़ी जूते बन सके। उसी शाम उसने वो चमड़ा काटा और अगली सुबह वो जूता बनाने के लिए तैयार था और फिर वो अपनी पत्नी के साथ ऊपर के कमरे में सोने चले गया, लेकिन वो बहुत दुखी था। अगली सुबह वो जागा, भगवान से प्रार्थना की और अपने काम पे वापस चला गया और वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि जूते तो सिल के तैयार हैं। वो बूढ़ा आदमी ये समझ नहीं पाया कि ये आखिर हुआ कैसे। उसने जूते की अच्छे से जांच पड़ताल की और उसने पाया कि जूते बहुत अच्छे से सिले गए हैं। उसी दिन एक ग्राहक दुकान पर आया जूता खरीदने और जब उसने देखा कि जूते बहुत बेहतरीन हैं, तो वो उन्हीं जूतों का दुगना दाम देने के लिए तैयार था। उन पैसों से मोची ने इतना चमड़ा खरीदा कि उससे दो जोड़ी जूते बन सकते थे। उसने फिर से चमड़े को काट दिया और सोने चला गया ताकि वो उन्हें अगली सुबह सिला सके। लेकिन जब वो जागा, उसने देखा कि जूते फिर से सिल के तैयार थे। वो दोनों जोड़ी जूते पहले जूतों से भी अच्छे बने थे और उसी दिन वो दोनों जोड़ी बिक गए और उसके पास इतने पैसे आ गए कि चार जोड़ी जूते सिले जा सके। कई हफ्तों और महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। हर शाम वो चमड़े को काट लेता था, फिर ईश्वर से प्रार्थना करके सोने चला जाता था और हर सुबह वो पाता के जूते अच्छी तरह से सिल के तैयार उसकी टेबल पर रखे हैं। पहले 8 जोड़ी, फिर 20 और फिर इतने कि गिनना मुश्किल हो गया था। उसके पास इतने ग्राहक थे कि अब वो सबसे अच्छी चमड़ी खरीद सकता था और बाकी जरूरत के सामान भी। उसने बूट बनाना शुरू किया सबसे कोमल चमड़ी से, जो कि शिकार करने के लिए बेहतरीन था। उसने वेलवेट, सिल्क और भी कई तरह के जूते बनाना शुरू कर दिया, जो कि जश्न में पहनने के लिए औरतों को बहुत पसंद आते थे। और इतने महीने गुजरने के बाद वो मोची इतना अमीर हो गया था कि अब वो अपने उन मददगारों के नाम कुछ करना चाहता था। एक रात वो और उसकी पत्नी चमड़ी के पीछे छुप कर देखने लगे कि उनकी मदद आखिर करता कौन है। आधी रात को दो नंगे छोटे बौने वहां आए और उन्होंने मोची के सारे जूतों को एक झटके में सिला दिया और फिर वो गायब हो गए। लेकिन मोची और उसकी पत्नी को उनकी गरीबी पे बहुत दुख हुआ। उसकी पत्नी ने उन दोनों के लिए छोटे से प्यारे कपड़े सिले और मोची ने सिल्क की प्यारी जूतियां बनाई। उन दोनों ने तोहफे को टेबल पर रखा और फिर से छुप कर आधी रात को देखने लगे। जब वो बौने फिर से आए और उन्होंने वो तोहफे देखे तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कपड़े पहने और खुशी में झूम झूम कर नाचने लगे और फिर वो वहां से गायब हो गए, कभी ना लौट कर आने के लिए। लेकिन वो मोची कामयाबी की ऊंचाइयों को छूता रहा और आगे बढ़ता रहा।